हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल कोड प्रो करियर। मेरा नाम है देवाशीष कुमार और कोड प्रो करियर यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इंटरनेट रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपका आईबीपीएस के एग्जाम्स में आने वाले, आईबीपीएस का आरआरबी, आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस के क्लर्क मेंस, ये तीनों एग्जाम्स में जो भी आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन एंड सारी की सारी सिलेबस को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में। और आज का टॉपिक है इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। सो इंटरनेट के बारे में जो भी बेसिक्स ऑफ इंटरनेट है, जितने भी आपके आईबीपीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। और लेक्चर के बाद मैं इसी वीडियो में आप लोग को 50 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप पीडीएफ वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस पीडीएफ को शेयर भी कर सकते हैं, बट प्लीज शेयर पहले इस वीडियो को कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि बहुत एक बेहतरीन प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही है, तो उसे लाइक करें और इसी से पढ़ाई करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट आप लोगों को पता है बेसिक नॉलेज, उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, हम लोग पूरे दुनिया से कनेक्ट रह सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, इसलिए इसे हम लोग ग्लोबल नेटवर्क कह सकते हैं। एक ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब इस लेक्चर में आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं आप लोगों को बस यही बता दूं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सपोज की रास्ता, किस रास्ता से, सपोज कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसके बीच में बहुत सारा रास्ता है, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये प्रोटोकॉल 1 हुआ, ये प्रोटोकॉल 2 हुआ, ये प्रोटोकॉल 3 हुआ, तो बहुत सारा अलग अलग तरह के पाथ है, तो आप ए से बी तीनों तरह से जा सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि अलग अलग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल से आप कनेक्ट करते हैं अलग अलग कंप्यूटर को। माने कि ये डिवाइस ए हुआ और ये आपका डिवाइस बी हुआ, ठीक है। प्रोटोकॉल के बारे में डिफाइन हम इस वीडियो में ही आगे करेंगे, फिलहाल आगे पढ़ते हैं इंटरनेट के डेफिनेशन पे। इंटरनेट में ये अलाउ करते हैं मिलियंस ऑफ प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, एकेडमिक्स, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से, और शेयर कर सकते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन को। इंटरनेट जो है वैरायटी, एक वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्स, आप बहुत सारी चीजों में आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप ईमेल भेज सकते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग और वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वेबसाइट्स आप खोल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तमाम चीजें आप इंटरनेट से कर सकते हैं, काफी सारी चीजें। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। मैं फिर से बता दूं, ये आपको जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं बताऊंगा कि मैं इस वीडियो को जो कंप्लीट करवा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को फुल्ली देखिए, पढ़िए, उसके बाद फिर इस पीडीएफ से पढ़िएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और इस वीडियो को देखते देखते आप अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स भी बना लीजिए, जिसमें आप पॉइंट वाइज हर एक चीज को मेंशन कीजिएगा, जो आपके रिविजन के लिए ज्यादा कारगर साबित होगा। ओके, सो इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट काम करता है अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करके, इस दुनिया में जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, डिवाइसेस जो भी आपके कंप्यूटर के डिवाइसेस है, उनके हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ ये जो है कनेक्शन बनती है। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कुछ कुछ हम लोग को फंडामेंटल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ती है वो है सर्वर। सर्वर एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर सर्वर होता है, जिसमें सारे के सारे वेबसाइट्स स्टोर रहते हैं, फाइल्स और डेटा वो सारे के सारे स्टोर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आप मेरा ये वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब का एक सर्वर होता है, उसमें मेरा एक ये वीडियो सेव किया हुआ है और बाकी सारे के सारे यूट्यूब के वीडियोज भी उस सर्वर पे, उस एक कंप्यूटर में सेव किया हुआ है। वो कंप्यूटर आपका 2400 घंटा चल रहा है, 7ों दिन 365 दिन चल रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि एक वीडियो को अगर एक साथ 10,000 लोग देख रहे हैं, तो वो अकेला कंप्यूटर उस वीडियो को 10,000 लोगों को दिखा रहा है, तो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, जिसने डेटा को अपने अंदर सेव करके रखा है और उसे
आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल्स पे, आपके कंप्यूटर पे और आपके डिवाइसेस पे प्ले भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला हो गया आपका सर्वर, सेकंड हो गया राउटर। राउटर वो डिवाइस है जो कि आपका डेटा ट्रैफिक को अलग अलग नेटवर्क पे डिवाइड करता है, ठीक है। राउटर्स जैसे कि वाईफाई के राउटर होते हैं, अगर आपके घर पे एक वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, ठीक, तो वो आपका वाईफाई सिग्नल, इंटरनेट सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और अलग अलग जैसे सेल फोन हो गया और दो तीन फोन हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गए, तो वो सारे के सारे लैपटॉप और डेस्कटॉप पे उस इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो राउटर का काम है डिवाइसेस में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रैफिक को अलग अलग नेटवर्क पे भेजना, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न करता है कि डेटा इंटरनेट पे कैसे ट्रांसमिट होगा, कौन से पाथ से ट्रांसमिट होगा, उसका वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। सबसे कॉमन आपका प्रोटोकॉल होता है TCP/IP प्रोटोकॉल, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जो कि जो भी आपके घर पे इंटरनेट जा रहा है, आपके मोबाइल में जो भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो TCP/IP ही कॉमनली आप यूज करते हैं। उसके बाद होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलते हैं तो HTTP, उसका फिर सेमी कॉलन, फिर ये डबल स्लैश होता है, फिर आपका www.google.com ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो ये जो HTTP लिखा हुआ रहता है, यही आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग और पढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन है वेब पेजेस का, वेबसाइट्स का एक कलेक्शन है जिसे हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये इंटरनेट में सबसे मोस्ट पॉपुलर सर्विस है। कोई भी वेबसाइट अगर आप लोग जाते हैं तो वो www. करके ही जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा आपका मोस्ट पॉपुलर है। www जो है वो ऑपरेट होता है HTTP प्रोटोकॉल पे हमेशा। और वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, और मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सारे के सारे ब्राउजर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? कोई भी एप्लीकेशन, एप्स आपके फोन में भी इंस्टॉल होगा, गूगल क्रोम होगा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, तो ये सारे के सारे वेब ब्राउजर है। वो सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं उसे हम लोग वेब ब्राउजर कहते हैं। नेक्स्ट आपका URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका होता है इंटरनेट में स्पेसिफिक वेबसाइट का पेज जो कि टिपिकली आपका HTTP से और या फिर HTTPS से स्टार्ट होता है, वो आपका URL होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक वेबसाइट नेम होता है। जैसे कि google.com, अगर आप जाइएगा www.google.com, तो google.com दुनिया में सिर्फ एक ही है, ठीक है। और ये आपका www.google.com ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब आ जाते हैं सर्च इंजन पे। सर्च इंजन एक ऐसा टूल है जिसमें कि यूजर, मतलब आप या हम जो है, इंटरनेट में कोई भी चीज को हम लोग सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और बहुत ही फेमस सर्च इंजन है गूगल। हम लोग गूगल पे ही हर एक चीज सर्च करते हैं, तो गूगल बहुत ही फेमस टूल है। नेक्स्ट आपका बिंग है और याहू भी है। हम लोग जैसे कि गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल में गए और आपने सर्च किया कैट, तो गूगल जो है कैट से रिलेटेड मल्टीपल आपको ऑप्शंस और वेबसाइट के सजेशंस दे देते हैं। तो गूगल एक ऐसा वेबसाइट है जो कि सर्च करता है इस इंटरनेट के दुनिया में कैट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें सर्च करता है और यूजर को वो इंफॉर्मेशन देता है। डोमेन नेम, डोमेन नेम एक ह्यूमन रीडेबल एड्रेस है जो कि आपका किसी भी इंटरनेट में यूज किया जाता है। हमेशा याद रखिए, कोई भी एक वेबसाइट का अपना एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली समझा दूं, फॉर एग्जांपल देखिए, डोमेन नेम क्या होता है। IP एड्रेस, हर एक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है, जैसे गूगल का भी एक IP एड्रेस होता है। तो हम लोगों को एज ए ह्यूमन IP एड्रेस याद नहीं रहता। मैं निकाला हुआ हूँ, गूगल का IP एड्रेस है 142.251.46.206, ठीक है। तो ये हो गया आपका गूगल का IP एड्रेस।
लेकिन एज ए ह्यूमन हम लोग हर एक आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, जैसे कि हर एक इंसान का एक मोबाइल नंबर होता है, वैसे ही सारे के सारे वेबसाइट के एक आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल क्या किया गया है, डोमेन नेम सिस्टम निकाला गया है। हर एक आईपी एड्रेस के लिए एक सेपरेट डोमेन नेम रहेगा, क्योंकि google.com जो है याद रख सकते हैं लेकिन इसको याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैं अभी आता हूँ एक वेबसाइट पे google.com में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, जो मैंने कहा था अभी 14, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है गूगल का आईपी एड्रेस 142.251.46.206। ये आपका गूगल का आईपी एड्रेस है। आपके अपने फोन का भी एक आईपी एड्रेस होता है, मैंने आपको बताया हुआ था, और हर एक फोन का, हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। ये आपका गूगल का आईपी एड्रेस है 142.251.46.206। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये आप अपने फोन में भी ट्राई कर सकते हैं। आपके फोन में जो भी ब्राउजर है, आपका गूगल क्रोम है, आपका मोजिला फायरफॉक्स है, और वट एवर जो भी ब्राउजर है आपके फोन में, आप उसमें ये ट्राई कीजिए, अवश्य ट्राई कीजिए, ओके। और फिर ये आईपी एड्रेस लिख के आप एंटर कर दीजिएगा, तो देखिए आप यहाँ पे गूगल के होम पेज पे आ चुके हैं। वेबसाइट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये आपका www.google.com ही है, ओके। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन हम लोग इतना लंबा चौड़ा आईपी एड्रेस हर एक वेबसाइट का याद नहीं रख सकते। जैसे हर एक इंसान का एक मोबाइल नंबर होता है, एक टेलीफोन नंबर होता है, वैसे हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, हम लोग उसको याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन वेबसाइट और इंटरनेट के पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी जैसा आईपी एड्रेस डायरेक्टरी होता है। हम लोग टाइप करते हैं www.google.com, और उस टेलीफोन डायरेक्टरी जैसा एक जो आईपी एड्रेस डायरेक्टरी होता है आपका कंप्यूटर का, वो उसमें सर्च करता है कि ये आपका डोमेन नेम कौन से आईपी एड्रेस के लिए है, और फिर आपको उस आईपी एड्रेस पे वो भेज देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डोमेन नेम काम करता है। हर एक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है और एक आईपी एड्रेस होता है। तो डोमेन नेम एक सिंपल ह्यूमन के द्वारा पढ़े जाने टाइप से एक वेबसाइट का नाम होता है। डोमेन नेम के कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मेनली डोमेन नेम के तीन पार्ट्स होते हैं, एक आपका सब डोमेन होता है, दूसरा आपका सेकेंड लेवल डोमेन, और थर्ड आपका टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। सब डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन और टॉप लेवल डोमेन हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं www.example.com। यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं www. अगर मान लेते हैं यहाँ पे www.mail.example.com भी अगर हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे www. से लेकर के मेल तक ही आपका सब डोमेन है। सब डोमेन ऑप्शनल होता है, बट हम लोग हमेशा इसको यूज करते हैं। सब डोमेन जो है, ये एक डोमेन नेम का वो पार्ट है जो कि सबसे पहले लगता है आपका सेकेंड लेवल डोमेन से पहले। सेकेंड लेवल डोमेन जो मेन आपका होता है बीच में, उससे पहले लगता है हमेशा, और वो आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखिए blog.example.com है, तो यहाँ पे ब्लॉग डॉट जो लिखा हुआ है, ये आपका हो गया सब डोमेन। यहाँ पे मेल डॉट एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये भी आपका सब डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है www को हम लोग एज अ सब डोमेन बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत ही एक मतलब टेक्निकली ऑप्शनल है, www. लिखना जरूरी नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखा हूँ google.com और मैं एंटर करता हूँ, तो भी मैं google.com में आ जाता हूँ। मुझे इसके आगे www लिखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो आपका फर्स्ट लेवल डोमेन जो है, जो आपका सब डोमेन है, ये आपका ऑप्शनल होता है, ये लिखना जरूरी नहीं होता, बट हम लोग की हैबिट है तो हम लोग लिख लेते हैं। सेकेंड जो आपका बहुत ही मैंडेटरी है, वो है सेकेंड लेवल डोमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी डोमेन नेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है सेकेंड लेवल डोमेन। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था www.example.com, यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो लिखी हुई है, ये आपका सेकेंड लेवल डोमेन है। हमेशा हर एक कंपनी जो है अपने नाम को रजिस्टर्ड करता है
सेकेंड लेवल डोमेन पे, जैसे कि google.com अगर है तो उसने गूगल नाम को रजिस्टर्ड किया है अपने कंपनी के लिए। facebook.com अगर है, facebook.com, तो उसने फेसबुक नाम को अपने कंपनी के लिए रजिस्टर किया। ये रजिस्ट्रेशन कोई भी एक एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल अपने नाम को रजिस्टर कर सकता है। सेकेंड आपका नेक्स्ट है टॉप लेवल डोमेन। आप यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं कि डॉट कॉम लिखी हुई है। ये जो डॉट कॉम है ये आपका टॉप लेवल डोमेन है, ये सबसे एंड में आता है और ये वेबसाइट का प्रकृति बताता है। ठीक है, जैसे कि टॉप लेवल डोमेन कई तरह के होते हैं। पहला है आपका जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। जेनेरिक मतलब वो जेनरली वो वेबसाइट किस तरह का वेबसाइट है। अगर उस वेबसाइट में डॉट कॉम लिखी हुई है मतलब वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए है, बिजनेस पर्पज के लिए है। डॉट ओ आर जी लिखी हुई है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन पर्पज के लिए है। डॉट नेट लिखी हुई है दैट मीन्स कि वो नेटवर्क पर्पज के लिए वो वेबसाइट बनाया गया है। तो ये आपका हो गया जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। नेक्स्ट आपका है कंट्री टॉप लेवल डोमेन। कोई भी डोमेन में जैसे कि आप लोग देखते होंगे गूगल डॉट इन अगर लिखी हुई है तो यहाँ पे डॉट इन मतलब होता है आपका इंडिया। हर एक देश का एक कंट्री लेवल पे अपना अपना डोमेन, टॉप लेवल डोमेन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का डॉट यूएस होता है, यूनाइटेड किंगडम लंदन का आपका डॉट यूके होता है, जापान का डॉट जेपी होता है और पाकिस्तान का होता है डॉट पीके। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप है आपका स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन। स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन मतलब कि उस वेबसाइट को कौन स्पॉन्सर कर रहा है। आपने बहुत सारे वेबसाइट देखे होंगे जिसके पीछे में लिखा रहता है डॉट जीओवी, मतलब उस वेबसाइट को गवर्नमेंट, सरकार जो है वो चला रही है। डॉट ईडीयू अगर आप देखे होंगे तो इसका मतलब कि वो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए वो वेबसाइट है। ठीक है, एक फुल एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे www.blog.example.co.uk। आप इसमें बताइए कि कौन सा टॉप लेवल है, कौन सा सेकेंड लेवल है और कौन सा सब डोमेन है। तो यहाँ पे जो www.blog है यहाँ तक ये आपका सब डोमेन है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी हुई है ये आपका सेकेंड लेवल डोमेन है और .co.uk जो लिखी हुई है ये आपका टॉप लेवल डोमेन है। तो आई थिंक आपको डोमेन नेम के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी डाउट्स होंगे, हर एक चीज बहुत ही क्लियर से आप लोग को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई करने वाले इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में। इंटरनेट जो आपके फोन से कनेक्टेड है या फिर आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है तो वो कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो मौजूदा टाइम में इंटरनेट कनेक्टिविटी के ये चार प्रकार जो है उपलब्ध है हमारे पास। ऐसे नॉर्मली अगर हम इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो कि है डायल अप कनेक्शन, ये काफी पुराना है, काफी मतलब आज से 5 साल पहले। जैसे आप लोग जानते होंगे कि घर में जो भी टेलीफोन का लाइन हुआ करते थे उसी टेलीफोन का वायर, उसी लाइन पे इंटरनेट का वायर भी रहता था। तो डायल अप कनेक्शन एक अर्ली फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस था जो कि टेलीफोन लाइन्स को यूज करता था इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। ये काफी ज्यादा स्लो था और बहुत ही ज्यादा मतलब कि आपका स्पीड भी कम रहता था और लेटेंसी भी कम थी। पहले जैसे बीएसएनएल का टेलीफोन हुआ करता था उसी टेलीफोन के वायर से आपका इंटरनेट का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी होता था। तो नेक्स्ट आ गया आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये आपका इंटरनेट कनेक्शन केबल्स के द्वारा होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें यूज की जाती है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। जैसे कि आप लोग अभी जानते हैं कि जियो फाइबर होता है, एयर फाइबर होता है, एयरटेल इंटरनेट होता है। तो ये सारी जो इंटरनेट होता है ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही देते हैं। ये मोहल्ले में एक हब बनाते हैं और उस हब से एक वायर आपके घर पे पहुंचाते हैं, तो वो आपका घर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन का वायर होता है। उसके बाद फिर उस वायर से घर पे एक आपका वाईफाई राउटर होता है। ठीक है, तो ये आपका वाईफाई राउटर हो गया। उस वाईफाई राउटर के बारे में पढ़ाई करते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो वायरलेस फिडेलिटी टेक्नोलॉजी जो है इससे क्या है कि हम लोग कई सारे डिवाइसेस को वायरलेसली मतलब बिना इंटरनेट के, बिना कोई तार के इंटरनेट से उसको कनेक्ट कर सकते हैं।
आप लोग में से हर एक के फोन में वाईफाई कनेक्शन है, सबके लैपटॉप में भी वाईफाई कनेक्शन है, तो आजकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फिर वायर टाइप से डायल अप कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है कोई भी इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। वाईफाई कनेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। और आपका फोर्थ और सबसे लास्ट है मोबाइल डेटा। जो भी आपके पास जियो या फिर एयरटेल का अगर सिम है तो आप लोग इंटरनेट का पैक भरवाते हैं और उस मोबाइल डेटा से आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो मोबाइल डेटा जो है आपका इंटरनेट एक्सेस हुआ सेल्यूलर नेटवर्क को यूज करके, जो कि आजकल स्मार्टफोन और टैबलेट्स में यूज की जाती है। ओके, सो ये चार प्रकार है अभी मौजूदा हालात में जिसमें हम लोग इंटरनेट कनेक्शन यूज कर सकते हैं जिस प्रकार से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई करते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल आप लोग जानते हैं, सुने होंगे। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले की चिट्ठियां जो भेजा करते थे हम लोग उसे मेल कहा जाता है। वही चिट्ठी जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जा रहा है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईमेल। ये काफी ज्यादा फेमस आपका और काफी ज्यादा वाइडली यूज्ड इंटरनेट सर्विस है ईमेल। जो है आपका इंटरनेट जब यूज किया गया था तब सबसे पहले ईमेल का ही यूज किया गया था। इंटरनेट का शुरुआत में सबसे पहले इंटरनेट की यूज केस आपका ईमेल भेजने के लिए ही किया गया था। उसके बाद फिर वेबसाइट्स आए और सारी चीजें आई। ठीक है, तो ईमेल जो है वो किसी भी यूजर को कोई भी मेल भेजने या फिर रिसीव करने में मदद करती है। हर एक ईमेल का अपना एक ईमेल एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, जैसे यूजर नेम @example.com। अगर मैं अपना ईमेल का बात करूं तो मेरा है codeprocarrier@gmail.com। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल आईडी है। हर एक इंसान का एक यूनिक ईमेल आईडी होता है, किसी भी दो इंसान का ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकता है। अगर आप लोग को कोई मेल करना है मुझे तो आप इस ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल्स जो है आपके सर्वर्स में एक्सचेंज होते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करके। प्रोटोकॉल्स जैसे कि SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपका POP3 और IMAP को यूज करते हैं। ईमेल में क्या क्या होता है, सबसे पहले एक इनबॉक्स होता है, जैसे कि आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, जो भी मेल बॉक्स होगा उसमें एक इनबॉक्स होता है। इनबॉक्स एक ऐसा फोल्डर है जहां पे मेल्स आते हैं और स्टोर्ड रहते हैं। सेकेंड होता है स्पैम। स्पैम जो है आपका इनबॉक्स का ही एक पार्ट है, जिसमें अनसॉलिसिटेड या फिर जंक मेल्स, जो कि आपके एडवर्टीजमेंट मेल्स होते हैं, जो फालतू ईमेल्स होते हैं लोग भेजते हैं, वो सारे आपके स्पैम में जाते हैं। कोई भी ईमेल सर्विस जैसे कि जीमेल की ही बात किया जाए तो जीमेल आपके मेल बॉक्स में आने वाले हर एक ईमेल को पहले चेक करता है और फिर वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये मेल किस तरह का मेल है। तो जी हाँ, जीमेल आपके मेल्स को पढ़ता है, उसे एनालाइज करता है और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर जीमेल को लगता है कि वो किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट है या फिर कोई फिशिंग पर्पस, मतलब आपको फंसाने या फिर स्कैम करने के पर्पस से वो मेल आपको भेजा गया, तो वो स्पैम फोल्डर में उस ईमेल को डाल देता है। नेक्स्ट आपका है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब कोई भी मेल में भेजा गया डॉक्यूमेंट, इमेज या फिर कोई भी चीज। जैसे कि मुझे अगर आपको कोई मेल भेजना है और उस मेल में मैं अगर वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहता हूं तो मैं एज एन अटैचमेंट भेजूंगा उसे। ठीक है, अटैचमेंट कोई भी फाइल होगा, डॉक्यूमेंट, इमेज, एनीथिंग, जो कि ईमेल के साथ भेजा जाता है। नेक्स्ट आपका है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है जब आप इंटरनेट से कनेक्शन जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उस दौरान काफी ज्यादा हैकर्स जो है आपके डिवाइस के ऊपर हैकिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमेशा हैकर्स के पास जो कंप्यूटर होता है, जो डिवाइसेस होते हैं, वो लगातार हर एक लैपटॉप, हर एक फोन को हैक करने की कोशिश करते रहते हैं। उनके वहां पे हैकिंग के सॉफ्टवेयर चलते रहते हैं। ना जाने अभी भी आपके लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल में कितने सारे हैकिंग करने की कोशिश की जा रही है अभी, लेकिन आपके
मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑलरेडी अपने अंदर एक साइबर सिक्योरिटी रखा हुआ है, एक फायरवॉल रखा हुआ है, ठीक है, जो कि उन सभी हैकिंग्स के जितने भी प्रयास है वो सबको विफल कर रहे हैं। तो चलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि बढ़ते हुए इंटरनेट के ऊपर जो हम लोगों का रिलायंस, मतलब हम लोग का जरूरत जो पड़ रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो उसके वजह से साइबर सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा क्रिटिकल कंसर्न बन चुका है। साइबर सिक्योरिटी में काफी ज्यादा सिस्टम जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है आपके नेटवर्क को, काफी ज्यादा डेटा जो कि आपके साइबर अटैक्स आपसे चुराना चाह रहे हैं, या फिर आपके कुछ डेटा आपके लैपटॉप या फोन में डालना चाह रहे हैं, इन सारी चीजों से बचाता है आपको। तो साइबर सिक्योरिटी के कई सारे अलग अलग टर्म्स है, वो सब देख लेते हैं। सबसे पहला होता है मैलवेयर। मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी कंप्यूटर को हार्म करने के लिए बनाया जाता है। मतलब अलग अलग तरह के मैलवेयर होते हैं, जैसे कि वायरस होता है, वोम होता है, ट्रोजन होता है और रैनसमवेयर होता है। तो आपके लैपटॉप या फिर आपके फोन में जो भी डेटा है उसको हार्म करने के उद्देश्य से जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसे हम लोग मैलवेयर कहते हैं, ठीक है। फिशिंग, फिशिंग एक तरीका है। फिशिंग को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फिश मतलब मछली होता है, मछली हम लोग पकड़ते हैं, है ना। तो उस टाइप से ही फिशिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो लोगों को, इंडिविजुअल्स को, आप लोगों को या फिर हमें फंसाने की कोशिश करते किसी भी तरह से, ताकि हम लोगों के जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा है, जैसे कि हम लोग का पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर और हम लोग का ईमेल आईडी का पासवर्ड और ये सारी चीजें उन तक पहुंच जाए और वो हमें स्कैम कर सके। तो इससे बचाते हैं हम लोग का कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फायरवॉल। फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे मोबाइल में, जो कि मॉनिटर करते रहता है, हमेशा चेक करते रहता है और कंट्रोल भी करता है। जी हाँ, आपको कंट्रोल देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि चेक करता है आपके लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल में आने वाले हर तरह का डेटा, नेटवर्क, वो सारी चीजों को, आपके डेटा क्या क्या आ रहे हैं, क्या डेटा जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें चेक करता है। और जहां पे उसे लगता है डाउट तो वो उसे उस कनेक्शन को रोक देता है। नेक्स्ट आपका इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे डेटा को अनऑथोराइज एक्सेस से बचाया जाता है। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जैसे कि आप लोग कई सारे वेबसाइट पे लॉग इन करते होंगे, तो लॉग इन करने के लिए हम लोग सबसे पहले ईमेल डालते हैं, उसका फिर पासवर्ड डालते हैं। तो पासवर्ड जब डालते हैं तो वहां पे देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे स्टार 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 हो जाता है, हम लोग टाइप करते हैं पासवर्ड और वो यहाँ पे स्टार स्टार हो जाता है। तो ये एक टाइप से इंक्रिप्शन ही है। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आपने जो भी डेटा डाले हुए हैं वो अपने फॉर्मेट को चेंज कर लेंगे और वो किसी दूसरे फॉर्मेट में आ जाएंगे, ताकि साइबर सिक्योरिटी जो सॉरी साइबर क्रिमिनल जो है वो आपके डेटा को या फिर आपके पासवर्ड को ब्रीच ना कर पाए, ठीक है। सो दिस इज इट। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग जो है, ऑनलाइन बैंकिंग भी हम लोग इसे कहते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी बैंकिंग का प्रक्रिया जो भी आप लोग बैंक में जाके करते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट को एक्सेस करना, फंड ट्रांसफर करना, कोई भी बिल्स को पे करना, आपके फाइनेंस को मैनेज करना, ये आप किसी भी अदर लोकेशन से इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा कर सकते हैं। आजकल हर एक बैंक जो है ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग में तीन चीजें होती है। सबसे पहली बात, ये तो फैक्टर्स आप देख लीजिए, आपके नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग एक ऐसा वेबसाइट होता है या फिर एप्स होता है। अगर आपका ऑनलाइन बैंकिंग है तो मे बी आपने भी अपने फोन में एक नेट बैंकिंग का एप्स रखा होगा। अगर आपका SBI हो है तो फिर आपने SBI का रखा हुआ होगा, HDFC का है तो फिर आपने HDFC का रखा हुआ होगा एप्स। तो जैसे जो भी आपने एप्स रखे हुए हैं SBI या फिर HDFC के, तो उस ऐप से आप अपने फंड्स को देख सकते हैं कि आपका करंट बैलेंस कितना है। आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप अपने बिल्स को पे कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी कई तरह के अलग अलग बिल्स को आप लोग पे कर सकते हैं, आपके फाइनेंसेस भी मैनेज कर सकते हैं। आजकल तो हर एक जो है इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग जो एप्स है वो आपके
जो भी खर्च हुए है तो आपने किस में कितना प्रोपोर्शन ऑफ खर्च किया वो दिखाता है। जैसे मेरे एसबीआई है तो एसबीआई में भी है और एचडीएफसी भी है मेरे पास, तो वो जैसे ऐसे एक पाई चार्ट बना के दिखाता है कि 17% हमने फूड पे इन्वेस्ट किया है और 9% हमने यहाँ पे फैशन पे इन्वेस्ट किया है। मतलब इन शॉर्ट कि आपने कहाँ पे कितने खर्चा किया है डायरेक्ट अपने बैंक से, तो वो सारी चीजें ठीक है। और एक ह्यूज अमाउंट आपका ट्रांसफर पे रहता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में आपका बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट भी आ जाता है, बट मोबाइल बैंकिंग में आपका सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में जो एप्स है वही आते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग मतलब मोबाइल में जो उस बैंक का एप्स जो इंस्टॉल्ड है आपका, वो सारी चीजें प्रक्रिया को मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। नाउ हियर इज फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मोबाइल का नेट बैंकिंग है, आप जब लॉग इन करने के लिए जा रहे हैं तो आपसे पासवर्ड तो पूछेगा ही, और उसके साथ साथ आपके मोबाइल में एक ओटीपी भी आता है। तो वहां पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी के दो लेवल हो रहे हैं। सबसे पहला आपसे पासवर्ड भी पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या है, उससे वेरीफाई हो रहा है कि आप है। दूसरा आपके मोबाइल में भी एक ओटीपी जा रही है क्योंकि आपके मोबाइल में आपका ही एक्सेस है, आपको ही ऑथेंटिकेट किया हुआ है, तो आप उस ओटीपी को देख सकते हैं और आप उस ओटीपी को वैलिडेट भी कर सकते हैं। सो अगर आपके बैंक में, अगर आपके नेट बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो फिर कृपया करके आप अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए। क्योंकि अगर हैकर्स ने वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वन लेवल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन को क्रॉस कर भी दिया है, अगर हैकर को आपको पासवर्ड पता चल भी चुका है, तो भी वो आपके बैंक से फंड ट्रांसफर ना कर पाए या फिर किसी भी अलग तरह का स्पैम या स्कैम ना कर पाए। ओके, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है जो कि पासवर्ड ही नहीं, जैसे पासवर्ड और यूजर नेम के अलावा कुछ और चीजें भी होती है जिससे आप लॉग इन कर सकते हैं। आपका 8th नंबर है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत ही इजी चीज है, आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग यूज करते हैं काफी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट नाम आपने सुना होगा, एमेजोन, मेशो, तो ये जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है ये सबको कहा जाता है ई कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब कि कोई भी चीज को बाय करना या फिर सेल करना ओवर द इंटरनेट। अगर इंटरनेट पर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो आप ई कॉमर्स प्रक्रिया में है। ये कई सारे अलग अलग शॉपिंग वेबसाइट और ऑक्शंस और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी हुई है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे जो है, इनका एक काफी एक ह्यूज इफेक्ट है हमारे सबके लाइफ में। हम लोगों ने, सब लोगों ने ही कभी ना कभी फ्लिपकार्ट अमेजोन से शॉपिंग की हुई है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमेशा हम लोग को ऑनलाइन प्रक्रिया से शॉपिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। पेमेंट गेटवे होता है, उसमें सबसे पहले पेमेंट गेटवे, आपने कोई पसंद आया, आपको कोई बुक पसंद आई, सपोज एक बुक पसंद आए, आपने उसको बाय नाउ पे नीचे क्लिक किया, वो आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है। पेमेंट गेटवे एक ऐसा पेज होता है जहां पे आप पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है शॉपिंग कार्ट, आप लोग जानते ही है शॉपिंग करते हैं, एड टू कार्ट करते हैं, वो आपका कार्ट में चला जाता है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो SSL है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपके वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है। इसमें क्या है कि आपने जो भी डेटा ट्रांसफर की हुई है वो काफी ज्यादा सिक्योर तरह से और प्राइवेट तरह से वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा नाम क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सरल भाषा में मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। सपोज कि ये आपका एक फोन है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स ओवर द इंटरनेट, ओवर द क्लाउड। क्लाउड सर्विसेज एनेबल यूजर टू स्टोर एक्सेस डेटा रिमोटली विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। तो मैंने क्या कहा, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि कोई भी डेटा
किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर वो आपका रिमोटली आप एक्सेस कर पाते हैं क्लाउड के रूप में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी जैसे मैंने बात किया फ्लिपकार्ट के बारे में, फ्लिपकार्ट में आप लोग कोई भी प्रोडक्ट को कार्ट पे रखे हैं, ठीक है, आप लोग को हमेशा फ्लिपकार्ट का एप्स को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखने की जरूरत पड़ती है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप बिना फ्लिपकार्ट का एप्स को इंस्टॉल किए फ्लिपकार्ट को यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल से, मोबाइल के ब्राउजर में अगर flipkart.com पे जाते हैं तो आप डायरेक्ट अपना फ्लिपकार्ट को एक्सेस कर पाते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है फ्लिपकार्ट जो है ये कहीं ना कहीं तो इंस्टॉल्ड है और कहीं ना कहीं तो इसका डेटा जो है वो सेव है ना, तो वो डेटा आपका क्लाउड में सेव होता है। क्लाउड हिंदी में इसका मतलब होता है बादल, लेकिन क्लाउड का मतलब होता है एक डेटा सर्वर, बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स का एक स्टोरेज होता है जिसमें आपका डेटा सेव होता है कि आपने कार्ट में क्या रखा हुआ है, आपका नाम क्या है, आपका डिटेल्स क्या है। तो ये बड़े बड़े आपके डेटा सेंटर्स होते हैं। सपोज कि ये डेटा सेंटर बैंगलोर में बना हुआ है, ठीक है, बैंगलोर में एक बड़ा सा रूम है, उस रूम में काफी सारे कंप्यूटर्स हैं और वहां पे बहुत सारे हार्ड डिस्क और एसएसडी रखे हुए हैं और उस हार्ड डिस्क और एसएसडी में आपका डेटा सेव किया हुआ है कि आपका कार्ट में क्या क्या आपने सेव करके रखा है, आपका नाम क्या है, आपका कौन सा मोबाइल नंबर से आपने लॉग इन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें सेव्ड है, तो ये आपका क्लाउड में सेव है। कोई भी हम लोग डेटा सेव करके रखते हैं तो वो हम लोग क्लाउड में रखते हैं। आप फोन से वायरलेसली सपोज आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, आपने इसके क्लाउड से अपने फोन को कनेक्ट किया हुआ है वायरलेसली और फिर ये डेटा आपके फोन में भेज रहे हैं। ये डेटा आपके फोन में स्टोर्ड नहीं है लेकिन ये डेटा आपके क्लाउड, आपके फ्लिपकार्ट के क्लाउड से आपके फोन में भेजा जा रहा है। तो यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के कई तरह के अलग अलग सर्विसेज हैं, वो सारे सर्विसेज हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है सास, सास बहु वाली सास नहीं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला सास। तो इसका डेफिनेशन सिंपली होता है कि सास एक ऐसा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि यूजर को एक्सेस करने देता है यूजिंग वेब ब्राउजर। जैसे मैंने अभी कहा कि flipkart.com जो है वो आपको एप्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने ब्राउजर से गूगल क्रोम में जाकर के flipkart.com को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एडवांस एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो गूगल वर्कशॉप या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस के बारे में बताया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जो है पहले के जमाने में, पहले नहीं अभी भी कई सारे लोग जो है अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखते हैं और उसके बाद फिर उसमें काम करते हैं। लेकिन आज के डेट पे अगर आपका लैपटॉप में या फिर आप अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट ऑफिस 365 पे जाना है और आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारी चीजें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, हर एक चीज। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अब आपको अपने लैपटॉप या फोन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्लाउड पे जाइए, आप डायरेक्ट अपने वेबसाइट ब्राउजर पे जाइए और आप वेबसाइट का नाम लिखिए और आप जो है उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अगर सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल बोला जाए तो पहले के जमाने में आप लोग गेम खेला करते थे मोबाइल में या फिर लैपटॉप में। मुझे मैं तो बहुत सालों से गेम खेलता हूँ, तो जैसे पहले IGI गेम हुआ करता था, YCT गेम हुआ करता था, मोबाइल में बहुत सारे आप लोग पबजी खेला करते होंगे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स को आपको अपने फोन या लैपटॉप पे इंस्टॉल करके रखने की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप लोग इसको यूज कर पाते हैं, आप इस गेम को खेल पाते हैं। लेकिन अभी आपके माइक्रोसॉफ्ट, आपके सोनी, इन कंपनीज ने क्या किया है, क्लाउड बेस्ड गेमिंग सिस्टम बना दिया है। अभी आपको कोई भी गेम को खेलना है तो आपको 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगेगा उस गेम को इंस्टॉल करने के लिए, आप बस उनके वेबसाइट पे जाइए और गेम खेलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं फ्री में, तो जियो ने भी इस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया हुआ है फ्री में। आप जियो गेम्स
जो सॉफ्टवेयर आता है आपके आईफोन में भी आता है, एंड्रॉयड में भी आता है, जियो गेम्स को इंस्टॉल कीजिए। उसमें आपको गेम कोई भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे हजारों लाखों गेम है, आप ऑनलाइन खेल सकते हैं बिना इंस्टॉल किए, और काफी सीमलेसली काम करता है। जितना अच्छा आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उतना अच्छा आप गेम खेल सकते हैं। तो मेरा ये सारी चीजें बताने के तात्पर्य ये है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर देता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको सिर्फ वेब ब्राउजर से ही आप यूज कर सकते हैं, आपको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आपका गूगल का वर्क स्पेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो गया। एग्जाम्पल के रूप में भी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, चलिए ठीक है, तो ऑफिस 365 देखिए, यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैंने क्लिक किया, सपोज कि मैं साइन इन कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉग इन करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ ऑनलाइन, ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एडिट करना चाहता हूँ, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स है, मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले वीडियो में टेम्पलेट्स किसे कहते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है पूरी तरह से खुल रही है और ये आपका ऑनलाइन खुल रहा है, ठीक है। मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एडिट कर सकते हैं, ये फ्री में है, आप अपने मोबाइल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, देवाशीष कुमार, ओके। यहाँ पे हर एक ऑप्शन आपका काम करेगा, जैसे अगर मुझे ये बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करने हैं, ये सारी चीजें आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हर एक चीज, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल रहता है वो उससे ज्यादा एडवांस है। इसमें आप वॉइस कमांड भी कर सकते हैं, डिक्टेशन कर सकते हैं, डिक्टेशन मतलब आप जो बोलिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस चीज को लिखता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊं अगर, ओके, यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, हेलो दिस इज देवाशीष कुमार, मेरी माइक ऑलरेडी यूज हो रही है, हेलो देवाशीष कुमार, यस ओके। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसे ऑफ कर देता हूं, आप यहाँ पे वॉइस कमांड यूज करके भी टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, इन्होंने मेरा नाम देवाशीष कुमार लगभग करेक्ट कर दिया है, बस थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन जो भी आप लोग सास यूज करके जो भी आप सॉफ्टवेयर ऑनलाइन यूज कर रहे हो वो काफी ज्यादा एडवांस है। इसने ये इसे हिंदी समझ में नहीं आती है तो इसने इंग्लिश सोच के ही मेरे जो वर्ड्स है उसको लिखा है, मेरा नाम उसने हेलो देवाशीष कुमार उसने सही लिखा है। तो सास जो है काफी ज्यादा एक अपर हैंड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आप लोग सबको, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप कन्वीनियंटली हर एक जगह पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका IaaS, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो सपोज कि आप एक स्टार्टअप एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं और आप अपने 5 स्टाफ रखना चाह रहे हैं, ओके, और आप कम खर्चा में सारा काम करना चाह रहे हैं, तो आप हर एक 5 स्टाफ के लिए 5 कंप्यूटर तो नहीं खरीदने जाइएगा, वो आपके इनिशियल कॉस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 वर्चुअल मशीन्स खरीद सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो IaaS जो है आपको एक वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर रिसोर्स देता है इंटरनेट के द्वारा, मतलब आपके पास एक वर्चुअल मशीन होता है, एक कंप्यूटर ही होता है लेकिन वो आपका इंटरनेट पे होता है, एक ऐसा वर्चुअल मशीन जिसका अपना एक स्टोरेज होगा और एक नेटवर्किंग होगा। तो मैंने क्या कहा, 5 स्टाफ के लिए आप 5 वर्चुअल मशीन VM वर्चुअल मशीन्स बुक कर सकते हैं। ये आपके 5 अगर आप कंप्यूटर्स बना रहे हैं या फिर लैपटॉप खरीद रहे हैं उससे काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है, ये आपके मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो
अगर आप IaaS सर्विस का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि आपको एक कंप्लीट न्यू लैपटॉप ही मिल जाता है, बट वर्चुअली मिलता है। इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। जैसे एक न्यू लैपटॉप आपको मिलता है तो आप उसमें हर एक चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे उसमें, क्या क्या एप्लीकेशंस रहेगा, वो सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अमेजोन वेब सर्विस, अमेजोन वेब सर्विस जो है आपको वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड करता है। AWS अमेजोन वेब सर्विसेज जो है IaaS ऑफरिंग करता है। ये EC3 जो कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जो है वर्चुअल सर्वर के लिए वो भी प्रोवाइड करता है। तो बिजनेस जो है इस टाइप का सर्विसेज को यूज करता है, कोई भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे AWS जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो वर्चुअल डेस्कटॉप जो आप देख रहे हैं, जो आप चला रहे हैं, जो वर्चुअली आपके पास चल रहा है, वो कहीं ना कहीं फिजिकली अभी चल रही है। तो वो मैनेजमेंट जो है अमेजोन कर रहा है उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। और आप लोग को जैसी मशीन की जरूरत पड़ती है वैसी मशीन आपको वर्चुअली रेंट आउट किया जाता है अमेजोन वेब सर्विसेज के द्वारा। सेकेंड एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है यह भी आपको IaaS सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एज्योर वर्चुअल सिस्टम प्रोवाइड करता है, एज्योर स्टोरेज भी आपको प्रोवाइड करता है और एज्योर वर्चुअल नेटवर्क भी आपको प्रोवाइड करता है। आप जैसे एक सर्वर चाहिएगा, आपको काफी डेटा स्टोरेजेस चाहिए होगा, तो आप SSD या फिर हार्ड डिस्क खरीदने नहीं जाइएगा अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए उसका जरूरत है तो। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए कि 1 साल के लिए 100 GB का जरूरत है तो आप एक हार्ड डिस्क खरीदिएगा, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। 100 TB मान लेते हैं, ठीक है, 100 TB का हार्ड डिस्क आपके लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो आप IaaS सर्विस का यूज कर सकते हैं जिसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजोन जैसी कंपनी आपको स्टोरेज जो है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 GB आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या है कि कंपनीज जो है वो वर्चुअल मशीन्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, और आपको जिस तरह का सिस्टम चाहिए, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, वो आपको करके दे सकते हैं, ठीक है। और आप पे उतना ही कीजिएगा जितना आपको यूज है। अगर आपको 100 TB की जरूरत है तो आप 100 TB के लिए ही आप पे कीजिएगा। अगर सपोज कि आपको 150 TB का यूज है तो आप 150 TB के लिए ही यूज कीजिएगा, ओके। तो ये सेकेंड टाइप था। थर्ड एंड लास्ट टाइप के बारे में हम लोग देखते हैं, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यहाँ पे कंपनीज आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जा रहा था, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल का वर्कस्पेस, इस टाइप का सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जा रहा था, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कह रहे हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब आपको पूरा पूरी एक कंप्यूटर ही, वर्चुअल कंप्यूटर, वर्चुअल मशीन या फिर वर्चुअल आपका स्टोरेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड जो PaaS है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसका इस्तेमाल खास करके लोग करते हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो PaaS क्या करता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाता है, प्लेटफॉर्म जो कि सारी चीजें ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड रहता है। इसमें आपका अलग अलग टूल्स आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, आपको बस ऐड करना है। आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर बिल्ड करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिना किसी भी टेंशन के, एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। तो गूगल ऐप इंजन, गूगल ऐप इंजन एक पास है, प्लेटफॉर्म है, एज अ सर्विस दे रहा है, जो कि डेवलपर्स को, डेवलपर्स वो लोग होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ठीक है, तो वो डेवलपर्स को बिल्ड देते हैं और डिप्लॉय करने के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, ताकि वो लोग अपना एप्लीकेशन या फिर मोबाइल बैकएंड्स को वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैनेज कर सके। तो गूगल जो है ऑटोमेटिकली हर एक चीज हैंडल करता है, लोड बैलेंसिंग करता है, स्केलिंग को करता है, ऑपरेशनल टास्क करता है, और
डेवलपर्स को सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करने के लिए छूट देता है, ताकि अगर कोई भी इंसान, कोई भी डेवलपर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, तो उसका मेन फोकस सिर्फ डेवलपमेंट पे ही रहे, और उसे जो सारी चीजें, जो भी टूल्स, लाइब्रेरीज या फिर सर्विसेज की जरूरत है, वो गूगल ऐप इंजन या फिर हेरोकू जो है वो उसे बना बनाया प्रोवाइड कर दे, ताकि इसका टाइम वेस्ट ना हो ये सारी चीजों को इकट्ठा करने में। हेरोकू भी सेम गूगल ऐप इंजन जैसा ही है, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और फ्रेमवर्क्स को भी प्रोवाइड करता है। डेवलपर्स जो है अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं हेरोकू को, और फिर वो जो है हैंडल करता है सर्वर प्रोविजन को, स्केलिंग को और मॉनिटरिंग भी करता है। ठीक है, तो हेरोकू जो है काफी ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है, और डेवलपर्स भी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ कोडिंग में ही करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में अपना टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ना इसका जो है डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, तीनों के बारे में, SaaS, IaaS और PaaS। ठीक है, तो सबसे पहले SaaS के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि ये आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस टाइप के सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं। IaaS क्या है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता है, पूरा पूरा एक नया लैपटॉप ही देता है, बट इन क्लाउड। आप मोबाइल में भी उस लैपटॉप को खोल सकते हैं, आपको स्क्रीन दिखेगा, और लैपटॉप में जिस टाइप का आपका काम करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर और OS, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। पास क्या करता है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा देता है, आपको सिर्फ कोडिंग करने है और सारी की सारी जिम्मेदारी पास खुद से उठाता है। सेकेंड यहाँ पे क्या है कि हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये जो प्रोवाइडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी SaaS में, ये सारी चीजों को हैंडल करता है। ये एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जो है उसको भी हैंडल कर रहा है, उसका डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विजुअलाइजेशन, सर्वर स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये सारी चीजें देख रहा है, और वो सिर्फ सॉफ्टवेयर दे रहा है आपको। आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना है, बाकी सारी चीजें ये SaaS चला देगा, खुद से ही वो करेगा, हैंडल करेगा। IaaS में वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सब कुछ आपको देगा, आपको वो सिर्फ अपना विजुअलाइजेशन, सर्वर स्टोरेज और नेटवर्किंग पे ही काम करेगा, और बाकी आपको देखना है। PaaS क्या करता है, वो रन टाइम देखता है, वो मिडलवेयर देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विजुअलाइजेशन, सर्वर स्टोरेज, टूल्स और ये सारी की प्लगइन्स, वो सारी चीजें वो हैंडल करता है, आपको कोडिंग करना है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, SaaS का एग्जाम्पल है आपका ईमेल सर्विसेज, कोलेबोरेशन टूल्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, ईमेल सर्विसेज जैसे जीमेल आपको मिल गया। IaaS में आपको मिला होस्टिंग, एक वेबसाइट मिल गया, एक वर्चुअल मशीन मिल गया, पूरा पूरा वो आपको कंट्रोल करना है। PaaS क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि आप कस्टम वेब एप्लीकेशन बना सके उस पर। ठीक है, नाउ सोशल मीडिया, आप लोग सबको अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जो है, ये यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए, अपने थॉट्स, कंटेंट्स को शेयर करने के लिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ग्लोबली पूरे दुनिया में कोई भी किसी से भी कनेक्ट कर सकता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके। सोशल मीडिया आज के दिन में बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल टूल बन चुकी है बिजनेसेस के लिए, ताकि वो अपने कस्टमर के साथ एंगेज कर सके और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर सके। आप लोग भी अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब ही अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें बीच बीच में एड आता है, यूट्यूब में भी, मेरे इस वीडियो में भी एड आ रहा होगा। तो इससे क्या कि बिजनेस जो है आपको अपना प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, अपने सर्विसेज को दिखा रहा है, प्रोमोट कर रहा है। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है कि क्रिएट करना और एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना दूसरों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके। कंटेंट शेयरिंग, जैसे कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये कंटेंट है, ठीक है, तो मैं इस वीडियो को पोस्ट करता हूँ, वैसे ही कई सारे लोग, आप भी अपने फोटोज को या फिर टेक्स्ट इमेजेस को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। आप जैसे अगर व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस भी अगर आप लगा रहे हैं, तो वो भी आप कॉन्टेंट ही शेयर कर रहे हैं, आप किसी ना किसी तरह का वीडियो, टेक्स्ट या फिर इमेजेस को शेयर कर रहे हैं कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हैशटैग, आप लोगों ने सुना होगा कि हैशटैग ये चल रहा है, हैशटैग वो चल रहा है। तो हैशटैग क्या होता है, पहली बात तो ये होता है हैश, इसको हैश कहा जाता है। उसके बाद हैशटैग का यूज किया जाता है कोई भी कंटेंट में सर्चेबल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अगर आप हैशटैग करके
लिखिए, उसके फिर अगर आप लिखिए कोड प्रो कैरियर, तो मुझसे जुड़ी हुई जितने भी वीडियोस है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से अगर आपको चाहिए हैशटैग कंप्यूटर आपने लिख दिया, तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको मिलेगा। वैसे ही काफी सारा हैशटैग, वायरल हैशटैग चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो सारी चीजें जो स्मार्ट हो चुकी है, जिसमें आपका इंटरनेट इंक्लूडेड हो चुका है, उन सारी चीजों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि अगर फैन, टीवी, रिमोट, लाइट, ये सारी चीजें अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो आईओटी डिवाइस हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आईओटी क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में आपका फैन हो सकता है, लाइट हो सकता है, ठीक है, जो कि जिसमें सेंसर्स एम्बेडेड होते हैं, ये सब में सेंसर्स होते हैं, ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होते हैं ताकि वो एक दूसरे से डेटा जो है वो एक्सचेंज कर सके और कनेक्शन बना सके। और ये सारी डिवाइसेस जो है एक दूसरे से कनेक्ट होके एक सिस्टम बनाता है, जिसको कहा जाता है सिस्टम ओवर द इंटरनेट। पहला एग्जाम्पल स्मार्ट होम। एक स्मार्ट होम में काफी सारे अलग अलग टाइप के आईओटी डिवाइसेस होते हैं, जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली वाया स्मार्टफोन और कंप्यूटर। एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक घर है सपोज, ठीक है, ये घर है और इस घर में आपका फैन है, ठीक। इस घर में एक लाइट भी है, ठीक, ये लाइट है सपोज, और ये टीवी है, और भी बहुत सारे लाइट्स हैं अलग अलग टाइप का, ये ट्यूबलाइट है मान लीजिए। आपके पास एक स्मार्टफोन है, इस फोन से आप इस फैन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसका फैन का स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, लाइट का इंटेंसिटी, आपको कितना तेज रोशनी चाहिए, कौन सा कलर का लाइट जलना चाहिए, टीवी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस लाइट को भी और इस ट्यूबलाइट को भी, हर एक चीज को आप अपने स्मार्टफोन से अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो एक स्मार्ट होम है। उस घर के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप से कनेक्टेड है, जैसे कि गूगल होम, और उसी टाइप की हर एक डिवाइसेस जो कि इंटरनेट या फिर आपके फोन से कनेक्टेड है और आप अपने फोन या फिर लैपटॉप से उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है सपोज, या फिर एक फैन है, लाइट है, आप घर से बाहर गए, आप भूल गए फैन को ऑफ करना, आपने अपना मोबाइल निकाला और फैन ऑफ कर दिया बाहर जाते ही, आप घर के अंदर नहीं है, आप घर के बाहर है, फिर भी आपने अपने फैन को कंट्रोल कर पाया। ये सारी चीजें जो है एक स्मार्ट होम का एग्जाम्पल है। वेरेबल्स, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स, ये सारी चीजें आपने सुने होंगे, आपके पास होंगे भी, तो ये आपके वेरेबल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। वेरेबल कोई भी आईओटी डिवाइस होता है जो कि बॉडी में पहना जा सकता है, कोई भी वेरेबल्स मतलब जिसको वेयर किया जा रहा है, पहना जा रहा है, कोई भी आईओटी डिवाइस, जैसे हाथ में घड़ी, गले में लॉकेट, अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी वाला जैकेट आ जाता है तो ये सारे के सारे वेरेबल्स में आता है। ईयरफोन जैसे आप कान में लगाते हैं तो वो भी वेरेबल्स में ही आता है, आप उसको पहन रहे हैं। नाउ स्मार्ट सिटी, वेरेबल सबसे छोटा होता है जिसमें आपका बॉडी में ही आईओटी डिवाइस होता है। स्मार्ट होम में क्या है कि आपके घर में सारे के सारे स्मार्ट डिवाइसेस रहते हैं। अब स्मार्ट सिटी में क्या है कि एक सिटी में अगर आईओटी डिवाइसेस, आईओटी टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया मैनेज करने के लिए, और काफी अलग अलग रिसोर्सेस को, और जो आपके उस एरिया में, उस स्मार्ट सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन यापन सुधार के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक एडवांसमेंट की इंस्टॉलमेंट की गई है ताकि उनका डेली लाइफ बेटर हो सके, तो वो एक स्मार्ट सिटी कहा जाता है, ठीक है। जगह जगह पे कैमरास लगा देना, सीसीटीवी कैमरा, ट्रैफिक लाइट को ऑटोमेट कर देना, ट्रैफिक सिग्नल्स को अच्छे से मैनेज करना, वाटर ड्रेनेज सिस्टम को ऑटोमेटिक कर देना, सोलर लाइट्स हर जगह पे लगाना, उसे इंटरनेट से मैनेज करना, तो ये सारी चीजें अगर आप अपने सिटी पे यूज कर रहे हैं अलग अलग आईओटी टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो वो एक स्मार्ट सिटी कहा जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 12 पॉइंट पे, नेटिक्विट्स। नेटिक्विट्स एक बिहेवियर है, आपका बर्ताव है, आप इंटरनेट पे आ रहे हैं, आपका बर्ताव किस प्रकार है, कैसा है आपका बर्ताव, एक अच्छा बर्ताव को नेटिक्विट्स कहा जाता है। कहा जाता है ना आपके एथिक्विट्स कैसे हैं,
अब कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। तो भाई अगर नेटवर्क पे, अगर इंटरनेट पे आपका व्यवहार को नेटिक्विट्स कहा जाता है, एथिक्स कहा जाता है ना, कि आपके एथिक्स कैसे हैं, एथिक्विट्स कैसे हैं, तो ऐसे नेटिक्विट। तो नेटिक्विट्स के अंतर्गत एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका बिहेवियर जो है ऑनलाइन इंटरनेट में अच्छा रहे, जैसे कि दूसरे का प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना, किसी दूसरे को इंटरनेट पे बुरे लैंग्वेजेस यूज ना करना किसी और के लिए, या फिर किसी भी तरह का साइबर बुलिंग, किसी को हराश करना, या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करना, ये सारी चीजें नेटिक्विट्स के अंदर आता है। अगर आप लोग ये सारी चीजें नहीं करते तो फिर आप एक बहुत ही अच्छे बिहेवियर, एक बहुत ही अच्छे नेटिक्विट्स वाले इंसान है जो कि नेटवर्क में एक अच्छा बिहेवियर को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्पैम, आप दूसरों को स्पैम मेल्स भेजना बंद कर दे, या फिर स्पैम एडवर्टीजमेंट करना बंद कर दे, ये नेटिक्विट्स के खिलाफ है। रेस्पेक्ट, दूसरों को अच्छे से रेस्पेक्ट देना, अच्छे से ट्रीट करना। बहुत बार क्या होता है कि इंटरनेट में बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, गालियां देने लगते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है, उल्टा पुल्टा सब लोग बोलते रहते हैं। तो आपको अपने नेटिक्वेट्स पे ही ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को किसी और को एंग्री रिप्लाईज नहीं करने चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड, प्राइवेसी, किसी का भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, और किसी का भी कोई भी प्राइवेट वीडियोस फोटोज उसके कंसेंट के बिना यूज नहीं करना है। तो ये सारी चीजें नेटिक्विट्स में आ जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड जो है ये गैप है, गैप मतलब हमारे हमारे जेनरेशन और हमारे पिताजी के जेनरेशन में एक बहुत ही बड़ा गैप है। ये गैप उन लोगों के बीच में है जो कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, और दूसरे जो इसे यूज नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें यूज करना नहीं आता है। जैसे कि हमारे दादाजी, पापा जी, दादाजी लोगों तो इंटरनेट यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता है। पापा जी, माताश्री थोड़ा सा इंटरनेट यूज कर लेती हैं, हम लोग के जितना नहीं, लेकिन वो लोग भी कर लेते हैं, यूट्यूब देख रहे हैं आजकल सब कुछ। तो जो लोग बिल्कुल भी इंटरनेट को यूज नहीं कर रहे हैं और यूज करना नहीं आता है उनको अच्छे से, तो ये सारी चीजें एक गैप पैदा करती है, इसी को हम लोग डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो ये आपके सोशियो इकोनॉमिक, जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास इंटरनेट है कि नहीं है, आपके लोकेशन में कैसा फैक्टर्स है, ये सारी चीजें आपका डिवाइड करता है। तो इसके टॉपिक्स है जैसे एक्सेस, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है कि नहीं है, डिजिटल लिटरेसी आपको कितना है, आप डिजिटली इंटरनेट के बारे में कितना जानते हैं, इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी। तो इसमें क्या है कि आप लोग कुछ पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं ताकि ब्रिज बन सके दो जनरेशन के बीच, एक जिन को इंटरनेट का फायदा मिला है, एक जिन को इंटरनेट का फायदा नहीं मिला है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनेट के आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ाई करेंगे, और इंटरनेट के बारे में हम लोग 50 क्वेश्चंस को पढ़ाई करेंगे। 50 क्वेश्चंस के साथ और भी प्लस 50 क्वेश्चंस आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग को कोई अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, प्लीज कमेंट कीजिए। सारे के सारे डाउट, सारे के सारे क्वेरीज को मैं क्लियर करूंगा। आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो आपको आप बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, और नीचे मैं कमेंट करके भी आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए, गला सूख जाता है। और प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तो आप लोग को हमेशा बोलूंगा कि सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारे चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो लोग आईबीपीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट इसी लेक्चर को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।